आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से MI-DCMO मॉड्यूल का कनेक्शन किया जाता है। MI-DCMO एक आउटपुट एड्रेसेबल डिवाइस है जो मॉरले पैनल के लूप में कनेक्ट किया जाता है। इस मॉड्यूल को हम कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। कंट्रोल मॉड्यूल के केस में हमें 24 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलेगा और रिले मॉड्यूल के केस में हमें पोटेंशियल फ्री आउटपुट रेटिंग 34 वोल्ट 2 एम्पीयर रेजिस्टिव लोड मिलेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार इस मॉड्यूल को कंट्रोल मॉड्यूल की तरह कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डिप स्विच ए और बी को 0 पे सेट कीजिए। अब कनेक्शन पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्मिनल पे लूप आउटपुट नेगेटिव कनेक्ट होगा, सेकेंड टर्मिनल पे लूप आउटपुट पॉजिटिव कनेक्ट होगा, थर्ड पे लूप इनपुट नेगेटिव होगा और फोर्थ टर्मिनल पे लूप इनपुट पॉजिटिव होगा। 8 और 9 टर्मिनल पे आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं और इसके आखिर में एंड ऑफ लाइन 47 किलो ओम रेजिस्टर यूज करते हैं जो आउटपुट सर्किट को सुपरवाइज करता है। यहां पर 8 नेगेटिव होगा और 9 पॉजिटिव होगा। और अगर कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट नहीं किया जाता है तो पैनल पर आउटपुट ओपन सर्किट फॉल्ट आता है। इस फॉल्ट को हटाने के लिए रेजिस्टर डायरेक्टली 8 और 9 टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। अब 10th और 11th टर्मिनल पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं जिसकी रेटिंग 24 वोल्ट डीसी एंड एटलीस्ट 2 एम्पियर होनी चाहिए। 10th यहां पे पॉजिटिव होगा और 11th नेगेटिव होगा। सारे कनेक्शन होने पर इस मॉड्यूल को कंट्रोल मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फिर पैनल को ऑटो लर्न कीजिए और लर्न होने पर इसका टाइप एसडीआर दिखेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार MI-DCMO मॉड्यूल को रिले मॉड्यूल की तरह कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डिप स्विच ए और बी को 1 पर सेट कीजिए और अब लूप के कनेक्शन उसी प्रकार होंगे जो हमने कंट्रोल मॉड्यूल में बताया था। फिर हम आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे जिसमें 7th टर्मिनल NC होता है जो कि नॉमिनली क्लोज्ड के लिए यूज होता है, 8th कॉमन होता है और 11th टर्मिनल NO होता है जो कि नॉर्मली ओपन के लिए होता है। यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे 24 वोल्ट डीसी रिले के थ्रू पास करके थर्ड पार्टी आउटपुट एक्टिवेट कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस होने पर इस मॉड्यूल को रिले मॉड्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फिर पैनल को ऑटो लर्न कीजिए, लर्न होने पर इसका टाइप रिले दिखेगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।